हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ओम मनोबल होना चाहिए, क्या स्पेशल होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। सकारात्मक सोच है रखना है, नकारात्मक सोच नहीं रखना है। और सूर्य नमस्कार करने के लिए क्या आती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास जगता है। ठीक है, तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। आप लोग को पता है कि आजादी के 75 साल हमारे पूरे हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में हमारा आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सभी बच्चों को पता है, अभी सारे बच्चे लोग सर लोग को अभी बताएंगे, आपके स्कूल में भी एक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उस सारे रजिस्ट्रेशन से सारे बच्चों का सूर्य नमस्कार में आप लोगों ने भाग लिया उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी इशू होगा। कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा सर लोग को और आप लोग को सभी लोगों को एक प्रमाण पत्र इशू हो जाएगा कि हमने 75 साल पूरे जब हुए थे आजादी के तब हम लोगों ने ये सर्टिफिकेट हमने प्राप्त किया था और उस उत्सव में हम शामिल थे। समझ रहे हैं आप लोग हमारी बात को? तो हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार और प्रतिदिन करेंगे, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से हमारा शरीर बिल्कुल क्या होता है, स्वस्थ हो जाता है। तो आप एकदम आज पूरा विश्वास के साथ दिल विश्वास रखेंगे कि हम डेली सूर्य नमस्कार हम अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहला मुद्दा हमारा है सूर्य नमस्कार के लिए दोनों हाथों को साइड में ले जाते हैं और मिलाते हुए दोनों हाथों को सामने लेकर के आते हैं अनाहत चक्र के पास। इस प्रकार से लंबा दारा श्वास लेते हुए क्या करेंगे, पहले एक बार आप लोग देख लीजिए कैसे करना, पहले एक बार देख लीजिए। लंबा दारा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएंगे और शरीर को झुकाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे। जितना आप पीछे जा सकते हो उतना पीछे जाएंगे। श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथ की हथेली दोनों पैर के बगल में इस प्रकार से रख देंगे। अपने सिर को घुटने में लगाने का प्रयास करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और बाएं पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, सिर को आगे की तरफ उठा करके रखेंगे। श्वास फेफड़े में भरा हुआ होना चाहिए। श्वासों को छोड़ते हुए अपने सिर को नीचे की तरफ, अपने नजर को अपने नाभि के तरफ सटाने का प्रयास करेंगे और अपने पैर की एड़ी को जमीन में लगाने का प्रयास करेंगे। आपका शरीर का आकार पर्वत के जैसा हो जाना चाहिए। फिर श्वासों को संभाल में रखते हुए दोनों घुटने को लगाएंगे। आपके दो पैर लगे हुए हैं पंजे, पहले से दो घुटने बाद में लग गए, चार हो गए। दो हाथ लगे हुए कितने हुए, छह हो गए। अब सीना लगाया कितने हो गए, सात। और ठुड्डी लगाया कितने हो गए, आठ। इसलिए तो आठ अंग आपका शरीर में लगने चाहिए, कोई जमीन में लेटेगा नहीं। फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाएंगे भुजंगासन में इस प्रकार से। फिर श्वासों को छोड़ते हुए पर्वतासन में आएंगे, अपने पैर की एड़ी जमीन में लगाएंगे और नजर नाभि के ऊपर रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और जो पैर पहले ले गए थे बाई पैर को, उस बाएं पैर को दोनों हाथ के बीच में लेकर के आएंगे इस प्रकार से। सिर ऊपर की तरफ रखेंगे, फिर श्वासों को छोड़ते हुए दाहिने पैर को सामने लाएंगे और सिर को अपने घुटने से लगाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पीछे की ओर जितना ले जा सकते हैं और जितना फेफड़े में हवा भर सकते हैं। श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाते हुए अपने अनाहत चक्र के पास लेकर के आ जाएंगे। तो ये हमारा सूर्य नमस्कार का एक चक्र हुआ। इसी प्रकार से आप लोगों ने 13 बार करेंगे, सभी बच्चे करेंगे करेंगे। आवाज ले जाइए, वेरी गुड। तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे और सूर्य नमस्कार हम लोग
करने जा रहे हैं ये रवा, आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार हम लोग सिर भी इतना इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए, हम लोग को देखेंगे और सभी लोग मिला करके करेंगे, ठीक है। सभी लोगों का एक जैसा होना चाहिए, गिनती के साथ करवाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रणाम की मुद्रा। मैं बीच बीच में आप लोग को देखता भी रहूंगा, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले एक दो तीन चार पांच छह, श्वासों को समान करते हुए सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, फिर से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, फिर से एक मिला करके दो, दो में पीछे, दो में पीछे, सभी लोग तीन आगे आइए, पूरे शरीर को घुटने में बैठने की कोशिश करे, कोई भी बच्चा घुटने में बैठने के लिए सिर को लगाइए, घुटने में कितने बच्चा लगाते हैं, चार चार में क्या करेंगे, बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, बाएं पैर को पीछे ले जाइए, पांच पांच में अपने नजर को नाभि पे, अपना अपना नाभि रखिए, शरीर बिल्कुल पकड़ के जैसा बाहर के जैसा होगा, छह छह में पहले घुटना लगाइए, छाती लगाइए, अपने छुट्टी को लगाइए, सात घुटन नाशक समझ को नीचे, हिप को नीचे दबा करके रखिए, सिर को ऊपर उठाइए, फिर जो है सो अपना नजर नाभि के ऊपर, नौ में बाएं पैर को दोनों पैर के बीच में लेकर के आएंगे, नौ बाएं पैर लेफ्ट साइड का, लेफ्ट भी नहीं समझते आप लोग, लेफ्ट लेफ्ट को दोनों हाथ के बीच में यहां रखना है, दस ऊपर अपने सिर को घुटने में लगाएंगे, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा प्रयास, ग्यारह ग्यारह ऊपर जाइए सांस को लेते हुए, और बारह में फिर प्रणाम की मुद्रा में आएंगे, अब मेरे साथ सभी लोग तेजी के साथ करेंगे इसी काम को, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, इस प्रकार से पांच और ध्यान पर तेजी के साथ, एक दो तीन चार पांच छह, देखिए वहां पे आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, अपने सिर को ऊपर करना है, नाभि के पास, हाँ पर्वत आसन की तरह, देखिए आगे में, आगे में देखिए किस तरह से हुए लोग, वैसा बनाइए, एक बार सीख जाओगे जल्दी होगा सही होगा, छह मिनट आएंगे, पहले घुटना लगाएंगे, छाती लगाएंगे, लगाइए लगाएंगे, वेरी गुड, नंबर लगाकर सांस लेंगे, सिर को ऊपर उठाएंगे, मुझे नासन में, वेरी गुड, आठ आठ के ऊपर में फिर पर्वत आसन के जैसा अपने नजर को नाभि के पास ले जाइए,
नौ में बड़े शहर को दोनों हाथ की चले लेंगे। देखिए हाँ बोल और हिप को दबा कर ऐसे ऐसे सिर को उठाओ, हाँ सिर को ऊपर उठाना है। दस दस में तो दाहिने पैर को आगे लगाएंगे, सिर को मुट्ठी में लगाएंगे, लंबा वाला सांस लेंगे, पीछे ले जाएंगे दोनों हाथों को, ले जाइए पीछे, फिर प्रणाम की मुद्रा में दोनों कोहनी को मिलाते हुए प्रणाम की मुद्रा में आएंगे। एक फिर से एक दो जल्दी कर गया, तीन शाबाश चार पांच छह बहुत अच्छा सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। आप लोगों ने एक एक स्टेप गलती किया है, वो थोड़ी सी सुधारने की जरूरत है और आज आप लोगों को मैं कह दूंगा कोई बचा थक तो नहीं गया, अगर कोई थक गया तो नहीं करूंगा, अगर वही भी हो भी है तो 13 बार की गिनती करेंगे। कितने बार हो गए, कितने बार आप लोगों ने कर लिया, कितने बार हो चुके, सात बार हो चुके, तो कम से कम 6 बार और करेंगे तो करेंगे। तो फिर एक सूर्य नमस्कार, एक दो बहुत अच्छा, तीन चार पांच छह। सुनो नहीं है, सुनो नहीं है, सिर्फ घोषणा बाकी बस। सर बहुत बढ़िया, नीचे 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 आठ नौ नौ में पैर को पूरा बाई पैर को दोनों हाथ के बीच में ले जाइए। दस ग्यारह बारह फिर से अभी लेके फिर मैं आपके साथ करूंगा। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह। एक 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 बारह दो तीन घोटा नहीं खोलना, घोटा नहीं खोल करना है, घोटा को खोलने के लिए चार पांच छ सात आठ पांच 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 आठ पांच आठ तेरे साथ दस ग्यारह बारह। सभी बच्चे सीखे कर लेंगे अब, कौन बच्चा कर सकता है, हाथ खड़ा करो, अभी भी करवाना पड़ेगा। और बढ़िया तीन तीन में घुटना फंड नहीं होना, दोनों हाथों को यथाशक्ति दोनों हाथ पैरों के बगल में रखने की कोशिश करना है। इस प्रकार से चार बाई पैर को पीछे ले जाएंगे, पूरा ले जाइए हाँ, अब दूसरे पैर को भी ले जाएंगे पांच के ऊपर पर्वत के जैसा। अपने अपना अपना नाभि देखो, अरे नाभि समझते, नाभि को देखिए पर्वत के जैसा शरीर का आकार हो जाना चाहिए। छह घुटना लगाइए, छाती लगाइए, छुट्टी लगाइए, सात के ऊपर में सिर को ऊपर जाइए, आठ फिर अपने अपने नजर को नाभि के ऊपर ले जाइए। बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे, दस दस में दाहिने को पैर को लेकर के आइए आगे मिलाइए, ग्यारह में ऊपर जाइए और फिर बारह में प्रणाम की मुद्रा को ले जाएंगे। अभी किसी को डाउट है तो फिर से हम बताएंगे, हो गया अब कर लेंगे, अपने घर में भी करेंगे, अपने मम्मी पापा को भी करवाएंगे और इस उत्सव को उत्सव समझिएगा और अपने दिन अपने दिनचर्या में इसको शामिल करिएगा। क्या क्या है इसका नाम क्या है, आपके स्कूल में सूर्य नमस्कार होता है?
होता है। कौन सर करवाते हैं? राजेंद्र सर। चूंकि शाखा से जुड़े हुए हैं, वो सूर्य नमस्कार जानते हैं, तो आप लोग को करवाते हैं। तो बहुत अच्छा चीज है कि सर को मालूम है और आप लोग के तरफ ध्यान देते हैं। योगा करते हैं आप लोग? योगा में क्या क्या जानते हैं आप लोग बताओ। अनुलोम विलोम कपाल भाती सब बताओ। ये अनुलोम विलोम और कपाल भाती क्या है? ये आसन है या प्राणायाम है? प्राणायाम है। क्या है? प्राणायाम है। जो प्राण को आयाम दे, आराम दे, वो प्राणायाम। तो जितने भी हम लोग प्राणायाम में करते हैं, उसमें प्राणवायु को ताकत मिलता है, बल मिलता है, इसलिए इसको नाम प्राणायाम कहते हैं। और आसन में शरीर को हम मुद्राएं चेंज करते हैं आसन में। ठीक है, अब रोज करेंगे विश्राम सदन विचार मन इच्छा मूल